हेलो दोस्तों मेरा नाम है शुभम तिवारी और आप लोग देख रहे हैं एक्टिव फायर गाइस जैसे कि आप सभी को पता है मैं अपने चैनल पे हमेशा साइंस के एक्सपेरिमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ बना के आप सभी के लिए पोस्ट करता रहता हूँ तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कोई भी हमें बोलता है कि ऐसा मत करना अब वो कौन सा टॉपिक है आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं एक्चुअली हमें कोई भी बोलता है कि दूध को खांसी के सिरफ के साथ नहीं पीना चाहिए मतलब दूध पी के हमें खांसी का सिरफ तुरंत नहीं पीना चाहिए या दोनों को एक साथ नहीं पीना चाहिए ऐसा क्यों और इसके इसको एक साथ पीने से क्या हो जाता है चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वही बात और आप सभी को तो इतना पता ही है मैं हमेशा साइंस पे बिलीव करता हूँ हम लोग इसको भी साइंस के टेक्नोलॉजी मतलब साइंस के तरफ से ही देख के और इसका डिस्कशन करेंगे तो इट इज़ हाईली एडवाइस नॉट टू मिक्स मिल्क विथ कफ सीरफ टू अंडरस्टैंड वाई मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं हिंदी में भी यह समझा सकता हूँ तो मैं हिंदी में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दूध को कफ सिरफ के साथ न मिलाने की सलाह दी जाती है यह समझने के लिए आइए हम दूध और खांसी के सिरफ की संरचना को समझते हैं मतलब इनकी बनावट को समझते हैं कि जब हम लोग ये पीते हैं जब हम लोग ये अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है दूध की संरचना ऐसे होती है कि जब यह लार के साथ मिलता है लार मतलब सलाइवा थूक लार के साथ मतलब सलाइवा के साथ मिलता है तो यह अन्न प्रणाली में नहीं रहता दूध सीधे पेट में पच जाता है और उसके पोषक हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं मतलब हमारे शरीर में लग जाते हैं दूध पच जाता है तो हम लोग बात करते हैं खांसी की सिरप के बारे में मतलब कफ सिरप के बारे में कि उसको पीने से क्या होता है और दोनों को कंपेयर करके हम हाँ तो अब हम लोग बात करते हैं कफ़ सिरप के बारे में ठीक है तो जैसे कि आप सभी को पता है कफ सिरप का उपयोग अस्थायी रूप से गले को शांत करने मतलब खांसी को दबाने के लिए किया जाता है कुछ प्रकार के सिरप में एक स्थिरता होती है जो खांसी को दबाने के लिए पदार्थों को गले में गले के अंदरूनी हिस्सा में ढकने देती है जो ढकने देती है और मान लीजिए हम लोग उसके साथ दूध पीते हैं दूध मिलाकर पीते हैं तो जो सिरप हमारे गले को ढकने गले के अंदरूनी परत को ढकने वाला होता है वो दूध के साथ पेट में चला जाता है अब पेट में इसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है दूध जो रासायनिक पदार्थों मतलब कि जो रासायनिक पदार्थों के साथ मिश्रित हो जाता है आपको पोषक तत्व प्रदान करने के अपने वास्तविक उद्देश्य को अच्छे रूप और मात्रा को खो सकता है और खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ठीक है वो दवा नहीं पीते हैं तो उनको ज़बरदस्ती ना करें ठीक है उनको दवा ज़्यादा ना पिलाएं उनको गर्म पानी पिला दें जैसे कि आप सभी को पता है गर्म पानी थोड़ा सा गर्म पानी कर लें मतलब सुमसुम पानी पीने लायक ठीक है वैसे पानी को अगर पिलाते हैं और जब रात को सोने वाला रहता है बच्चा तो उस समय उसको वो दवा पिला दिए खांसी का दवा पिला सकते हैं आप लोग और जो बड़े लोग रहते हैं आप सभी को तो मैंने बता ही दिया कि खांसी की जो दवाई होती है ठीक है उसके साथ दूध हमें क्यों नहीं पीना चाहिए और दूध पीने से मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं होता तो उसको पीने का मतलब कोई रीज़न ही नहीं है ठीक है तो आप सभी को आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और ऐसे रियल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे आज को ठीक है और जितने भी एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ हैं वो तो खैर आती रहेंगी आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए मैं उसका एक्सपेरिमेंट बना के आप सभी के लिए पोस्ट कर दूँगा